प्रदेश सरकार की महती लाडली बहना योजना के लिए 25 मार्च से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पहले ही दिन महिलाओं को परेशानी भरी साबित हुई। नगर पालिका द्वारा बनाए गए केंद्रों पर 25-25 टोकन बांटे गए थे। अपने दस्तावेजों को KYC करवाने के बाद अब शनिवार को जब फार्म भरने केंद्र पर गई तो लाडली बहनें सर्वर डाउन होने से परेशान होती रही। जानकारी अनुसार पहले दिन शहरी केंद्र पर एक भी फार्म ऑनलाइन दर्ज नहीं किए जा सके। वार्ड 13 की वाजिदा परवीन ने बताया कि सुबह मोहल्ले में शिविर लगाया, हमें टोकन बांटे, जब फार्म भरने की बारी आई तो कह दिया कि सर्वर डाउन है। इतना ही नहीं, नगर पालिका कर्मी शिविर से दोपहर बाद नदारद भी हो गए। ऐसे ही हालात सेंटर पर भी नजर आए। नगर पालिका अफसरों के मुताबिक सर्वर डाउन चालू होगा तब आवेदन अपलोड कर दिया जाएगा। सभी महिलाओं के फॉर्म भरे जाने तक शिविर जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। लाडली योजना बहना योजना का कैंप लगा है यहाँ पे, वो अधिकारी नहीं, हम दिन भर से परेशान हो रहा है, रोजगारी टोकन बांट दिए हैं, टोकन बांट दिए हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं तो आंगनवाड़ी के लिए जानकारी बोले, हमें कुछ नहीं है यहाँ की, पर हम रोजगार और कब से ना सुबह से खड़े हुए यहाँ के, दो तीन चक्कर आके चले गए हैं, कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? वाजिदा। आपका नाम? परवीन। जब यहाँ एक शिविर लगा है वहाँ महिलाएं परेशान हो रही है, आपने टोकन भी बांटे, कितने टोकन बांटे थे? 25। क्या अभी तक कोई आए नहीं वहाँ अधिकारी कर्मचारी? नहीं आए थे। कहाँ आए? सब परेशान हो रहे हैं सुबह 8 बजे से। फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए थे। कहाँ पर? आंगनबाड़ी महाजन धर्मशाला। इसका काम कौन करेगा? महिलाएं इतनी परेशान हो रही है, टोकन ले लेकर खड़ी है, अपने तो उसका काम करना था, उनको मना कर देना था, कल आना परसों आना। साइड नहीं चाहती थी तो हमने वहाँ बात करके साइड नहीं चाहते थे कि इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? तो काम हुए कहाँ पर? काम कई जगह नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या पार्षद हो आप? दारोगा। कौन से वार्ड? 13। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो लाडली बहन योजना के अंतर्गत नगर पालिका प्रशासन की ओर से तमाम वार्डों में खरगोन के कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए जो है वो फॉर्म कंप्लीट किया जा रहा है, KYC वगैरह, तो तमाम जितनी भी बहनें हैं यहाँ पे आई गई है और तमाम को फॉर्म दिए गए, जिनकी कुछ भी खामियाँ आए तो उसे जो है प्रशासन द्वारा पूरा किया जा रहा है। अब यहाँ आने के बाद जब वार्ड क्रमांक 13 में कैंप लगाया गया तो यहाँ पे सुबह से अधिकारी लोग आए और टोकन बांट के चले गए, 25 लोगों को टोकन दिए। अब टोकन देने के बाद अधिकारी जाने के बाद जब लोग वापस आए यहाँ पे टोकन नंबर लेके कि भाई हम हमारा कागज़ कंप्लीट कर लाए हैं, तो यहाँ पे एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके संबंध में हमने जो है कुछ अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए तो उनका कहना पड़ा कि भैया वार्ड का जो है कैंप आंगनवाड़ी केंद्र पर रहेगा, हम हमारे केंद्र पर गए जहाँ पे पता चला कि अब आंगनवाड़ी क्रमांक केंद्र 27 पर लगा है, वहाँ पे गए तो वहाँ के पे जाने के बाद कहा जाता है कि आपके केंद्र पर कुछ दिनों बाद लगेगा, तो ये समस्या ऐसी कब तक है? अब एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि एक महीने लगातार ये कैंप चलेगा, तो अब एक महीने चलने वाला कैंप जो आज एक पहले दिन में जो है वो चर्चाओं का विषय हो गया, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, बहनें परेशान हो रही, मुस्लिम समाज का जो है वो रमजान का महीना चल रहा है जिसमें भूखी प्यासी महिला है, तो इधर से उधर कब तक दौड़ेगी? तो माननीय जिला कलेक्टर से हमारा निवेदन है कि इस पर जो है ध्यान रखा जाए और उसको तरीके से निपटाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। क्या नाम है? मेरा नाम नादिर अहमद, वार्ड क्रमांक 13 घाटी मार्ग के खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।